मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। देखिए इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवलोड की आरपीएस पब्लिक जो विद्यालय है इंटर कॉलेज, उस इंटर कॉलेज में यहाँ पर मौजूद है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा यहाँ पर जो उनका बैनर चल रहा है उसी बैनर के तले यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ पर योग का आयोजित किया गया है। जो योग शिक्षक है वो हमारे बीच में, हम सीधे नाम भी पूछते हैं बात भी करते हैं, कम शब्दों में ये बात होगी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ये काफी देर तक चला जो 5 दिवसीय था, आज उसका अंतिम कार्यक्रम यहाँ इस प्रांगण में हो रहा था। तो गुरुजी मैं एक बार पूरा आपसे नाम जानना चाहूंगा। जी मेरा नाम सचिन गोस्वामी है जी। तो जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भी है और बहुत अच्छा लगा कि आपके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है, काफी लोग यहाँ पहुंचे भी हैं जी। तो कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे जिससे ग्रामीण स्तर पर भी योग लोग सीखें और योग करें? अब गुरुजी का विजन ही यही है जी कि ये हर व्यक्ति तक पहुंचे जी, इसलिए इसके छोटे छोटे शिविर बनाए गए हैं। नव चेतना शिविर, बाल चेतना शिविर जी, फिर हैप्पीनेस कोर्स जी, फिर इसके बाद अगर यूथ है वो आगे बढ़ना चाहता है, इसी फील्ड में कुछ करना चाहता है जी, तो उसकी अलग ट्रेनिंग आवासीय शिविर होती है जी। तो ऐसे ही शुरुआती स्टेज में ये जो मैनुअल बनाया गया, शुरुआती स्टेज में इनको इतना ही मिलता है, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद में सुदर्शन क्रिया जो कि प्रमुख है, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की जान है जी, वो सिखाते हैं गुरुदेव के माध्यम से क्रिया मिलती है जी। और जिसने सुदर्शन क्रिया कर ली एक बार, ये मान के चलिए वो जीवन भर जी दवा से तो मुक्त ही हो जाता है जी। और ये हमारे एम्स नियम्स जैसे हॉस्पिटलों ने उस पर रिसर्च किया है कि बहुत सारे रोगों में रामबाण भी है। धन्यवाद। तो गुरु जी एक चीज और जो है, कुछ हम यहाँ लोगों से जानकारी मिली जी कि आप थोड़ा भजन वजन कुछ गाते भी हैं, तो हम ये चाहते हैं जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोग भी देखते हैं, गोंडा के भी बहुत सारे लोग देखते हैं जी, तो थोड़ा सा उसमें से एक मिनट की कोई अगर अच्छी घड़ी जो आप पढ़ सकते। अब वैसे मेरा जो जीवन था जी इस संस्था के पहले जी बहुत अलग था जी, लेकिन संस्था में आने के बाद हमको एक रास्ता मिला जी, तो उसी के लिए गुरु जी के लिए चंद लाइनें हैं जी। स्वागत है। हमें रास्तों की जी जी जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की क्या कहें, बहुत जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, तो हमको उनके निशान मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए गुरु जी के लिए। बहुत कम शब्दों में जो बहुत आगे है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ चैनल के माध्यम से। और मैं बात करता हूँ एक भाई साहब और हमारे बीच में, भाई साहब पूरा नाम क्या है आपका? मनीष कश्यप मेरा नाम है जी। तो मनीष कश्यप जी, आज अपनी बात में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ ज्यादा जोर नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गुरुवर ने आपको सारी बातें बता ही दी हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि योग का अर्थ ही होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन जी, और परमात्मा का दूसरा स्वरूप जो कि हम देख रहे हैं हमारी प्रकृति है, और इसी के आधार पर 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है जी, इसी के आधार पर जो एक थीम दी गई है वो है योगा फॉर क्लाइमेट जी, जलवायु के लिए योगा जी। जैसा कि हम जानते हैं योगा करने से हमारी मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे एक यूनिक डायरेक्शन में हो जाते हैं जिससे हमारा सीधा संबंध हमारा प्रकृति से है। तो जो प्रकृति में आज जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारी प्रकृति के और प्रकृति की हमारे हो रही हैं उसमें बहुत सारा सुधार होता है जी। और मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने 2014 में सितंबर में संयुक्त महासभा में योग पर चर्चा की, और संयुक्त महासभा ने 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध का एक सबसे बड़ा दिन माना जाता है, बेशक, बेशक। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ हुआ। 2015 से मैं योग दिवस मना रहा हूँ और आज 5वां योग दिवस पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और मैं श्री श्री रविशंकर महाराज को धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि जिन्होंने एक विश्व पटल पर जो एक भारत की एक पहचान रखी है योगा के तरफ से, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। और आज उन्हीं की प्रेरणा से काफी लोगों का जीवन में एक सकारात्मक सुधार प्रयास देखने को मिल रहा है जी, जो कि बहुत ही काबिल-ए-तारीफ है। धन्यवाद। देखिए अभी आपके बीच में भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग और जो है ऋषि श्री रविशंकर जी के बारे में भी उन्होंने कहा। मैं थोड़ा बात करता हूँ, थोड़ा नजदीक आ जाए, गोपीनाथ मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी है, ये काफी मेहनत भी की है। तो गोपीनाथ मिश्रा जी, कम शब्दों में
आज इस चैनल को काफी लोग गांव स्तर पे लोग देख रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे गांव के स्तर के लोग भी योग करना सीखें, करें योग, क्या कहेंगे? मैं बहुत कम समझो में बताना चाहता हूं कि हमारे गुरु जी का ये लक्ष्य है कि व्यक्ति विकास से ही देश विकास होगा। स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो कुछ कर सकता है जी, अगर अस्वस्थ है तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के विकास से ही देश का विकास होगा, अगर हम सुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और सारे काम करेंगे। इसलिए हमको योग बहुत ही जरूरी है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए, भाई सबके लिए तो हम काम करते हैं लेकिन अपने शरीर के लिए हमको जरूर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का समय निकालना चाहिए। धन्यवाद कैमरा मैन, पीछे जा देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ इस कार्यक्रम के जो आयोजक है इन्होंने भी बात रखी। मैं थोड़ा चाहता हूँ कैमरा मैन दिखा भी दे, यहाँ देखिए जरवल से भी जो है अनिल सोनी जो पत्रकार जी है ये भी यहाँ मौजूद है, और आप इधर साइड में देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो भी यहाँ पहुंची हैं। और मैं आम जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और योग हमेशा करें। अगर आपको स्वस्थ रहना, आपको आपके शरीर को स्वस्थ रहना है, आपकी जो है दिनचर्या ठीक हो, इसलिए आप लोग योग अवश्य करें। और मैं एक बार अंत में कहना चाहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को अगर लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नीचे हर वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, और कहीं भी कोई घटना, कोई वारदात, किसी भी प्रकार की घटना हो आप सीधे हमको बताइए, हम उस वहां पहुंच करके उसको अपने चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में चलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे न्यूज न्यू इंडिया से। अब आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं सचिन गोस्वामी जो योग शिक्षक हैं, इन्हें माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। और अब आप देख रहे हैं उषा मिश्रा को भी बिटिया के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, बिटिया ने आशीर्वाद भी लिया है। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं वरिष्ठ रिपोर्टर अशोक मिश्रा अन्ना को भी यहाँ पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, और जो है इस कार्यक्रम को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद भी दिया गया। ये आप सीधे रिपोर्ट देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया के द्वारा। आज आप जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये उत्सव है चल रहा है, आज पावन अवसर है, इस पर आज जो है 5 दिवसीय यहाँ पर एक योग शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, जो आज यहाँ काफी संख्या में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए काफी संख्या में यहाँ लोग भी हैं, कैमरामैन थोड़ा नजदीक आ जाए, और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और क्रमवार ये जो है निरंतर, जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 दिन से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। और यहाँ के जो इस योग शिक्षक है जो है सचिन गोस्वामी साहब जो कर्नेलगंज से ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, आपको मैं आगे ले जाऊंगा, तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। और मैं अंत में यही आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग योग जरूर करें, अगर शरीर को दुरुस्त रखना है, तंदुरुस्त रखना है, हिफाजत रखना है, तो आपको व्यायाम करना होगा। और आप, मैं दोबारा तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी लोग व्यायाम कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम जो है आज न्यूज न्यू इंडिया के द्वारा। दोस्तों आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं RPS जो है ये विद्यालय है, जरवल रोड में स्थापित है, और आज यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले ये योग का ये 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, उसका अंतिम कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये जो अंतिम दिन का कार्यक्रम आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए व्यायाम जो है किया जा रहा है, योग किया जा रहा है, आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में जो है, जैसा कि आज यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। और ये कार्यक्रम जैसा कि देखिए अपने सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रमन शुक्ला जो पत्रकार हैं हिंदुस्तान से, ये भी यहाँ पर जो है योगाभ्यास कर रहे हैं। तो योगाभ्यास करना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कल के इस ज़माने में अब देखिए आप रमन शुक्ला की ये बिटिया काव्या शुक्ला आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत खुश है बिटिया जो है योग करके। और जैसा कि रमन शुक्ला के द्वारा हमें बताया भी गया कि बिटिया हमारी घर पर भी योग करती है, और बहुत अच्छा योग करती बिटिया, और आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं रमन शुक्ला की बिटिया काव्या शुक्ला। दोस्तों ये कार्यक्रम जो है ये जरवल रोड में स्थापित RPS का जो इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका अंतिम दिन का कार्यक्रम आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों। और आज काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं, सूर्य नमस्कार और जो तमाम जो योग हैं वो यहाँ पर जो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लगभग लोग यहाँ 5:30 बजे पहुँचना शुरू कर दिए, और जो योग शिक्षक हैं जो योग कराते हैं सचिन गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर इन सभी लोगों को योग की विधिवत यहाँ पर जो है ट्रेनिंग भी दी जा रही, कराया भी जा रहा है, और ये बताया भी जा रहा है कि आप लोग काफ़ी से काफ़ी योग अवश्य करें। अब आप दूसरी तरफ तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं, और
जो लोग यहाँ आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। यहाँ के जो आस पड़ोस की महिलाएँ भी हैं, आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हमारी माताएँ बहनें हैं, वो भी यहाँ इस योग के कार्यक्रम में, शिविर में, इस योग के इस विशेष कार्यक्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये सभी लोग जरवल लोड के RPS इंटर कॉलेज के इस विशेष प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं महिलाएं भी योग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को भी योग करना चाहिए। हम इस वीडियो के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी महिलाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी काफ़ी से काफ़ी योग करें। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं गोपीनाथ मिश्रा, जो घाघरा घाट से, जो पत्रकार हैं राष्ट्रीय सहारा से, ये भी यहाँ पर योग कर रहे हैं। और सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं अनिल सोनी, जो जरवल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी यहाँ पर योग कर रहे हैं। ये सभी लोग, जैसा कि मैंने बताया, ये सभी लोग 5:30 बजे सुबह यहाँ पर पहुँच गए। और आप सामने देख रहे हैं ये लोग, देखिए यो भी, ये लोग भी, बिटिया देखिए, बिटिया जैसा कि मैंने बताया, रमन शुक्ला की बिटिया है, ये भी योग कर रही है और बहुत खुश है। आप रिपोर्ट देख रहे हैं न्यूज़ न्यू इंडिया के द्वारा, वरिष्ठ रिपोर्टर अशोक मिश्र अन्ना भैया के साथ।